गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा किचन। और हमारे चैनल में आप सबका खूब सारा स्वागत है गाइस। आज के ब्लॉग में चिकन रेसिपी ही रहेगा क्योंकि मैं क्या ही ब्लॉग शूट करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी मैं चिकन बना रही थी तो मैं सोच चलो इसका रेसिपी ही बना देती हूँ। पता है इस बार का रेसिपी जो बनने वाला है इसमें बहुत सारी चीज़ें मिस होने वाली है, जैसे कि ये जो होता है ना लहसुन, वो है बट सूख गया है। मिर्चा भी नहीं था तो मिर्चा मैंने थोड़ा सा काट लिया, आप लोग देख रहे हैं, तो मैं प्याज भी काट ली हूँ एंड ये थोड़ा सा मिर्चा बचा हुआ है, तो ये बहुत कम है। और मीट 1 kg है तो 1 kg क्यों, क्योंकि इनके दोस्त भी आए हुए हैं, फिर ब्रेकफास्ट और लंच दोनों में ही हो जाएगा। आप लोग पता है मीट एक टाइम तो कोई खाता नहीं है। तो कढ़ाई में तब से ऐसे रख दूँ, कढ़ाई के बीच में आप लोग देख रहे हैं जल जल गया है जैसे। और उसके बाद मैं तेल डाल देती हूँ पहले यहाँ पे। ये भी है प्याज को एकदम मैं आज बारीकी से काट रही थी, मतलब पतला पतला काटने का ट्राई कर रही थी मैं। तो गाइस कढ़ाई इतनी गर्म हो गई थी कि तेल गर्म हो ही गया होगा। और अब मैं इसमें डालूँगी जीरा, तो जीरा को थोड़ा सा मैं निकाल कर इसमें डाल देती हूँ। अब देख रहे हैं इसमें जीरा पड़ने के बाद पता चल गया कि तेल गर्म हो गया है भाई। और ये अदरक का भी छीलना है मुझे, चाकू मैंने यहाँ लिया हुआ है छीलने के लिए। तब तक मैं डाल देती हूँ ये मिर्चा, जीरा डालूंगा, खुशबू ही लगाती है। प्याज पता नहीं मैंने कम ही प्याज काटा हुआ है क्योंकि बहुत आँख में लग रहा था, नहीं तो प्याज और भी आप डाल सकते हो क्योंकि चिकन 1 kg इतना, तो मैं 750 ग्राम चिकन में प्याज डालती हूँ, बट आज मैंने कम ही काटा हुआ है। अब गाइस इसमें मैं डाल देती हूँ प्याज, प्याज डालने के बाद ना गाइस जो खुशबू आती है क्या ही बताओ, एकदम जो फ़ौरन की इतना सोन सोन महकता है ना, बहुत मज़ा आता है बनाने में मुझे। और आप तो दिख रहे हैं कितना अब दिख रहा होगा, एकदम पतला पतला मैंने प्याज कटा हुआ है। मैं तो वैसे काट नहीं पाती हूँ लेकिन बहुत टाइम लगा ऐसे पतला पतला काटने में। और अब इसको पहले ब्राउन करेंगे, इसको तेज़ स्प्रिंग करेंगे। तब तक मैं इसको छील लेती हूँ और जो सूखा हुआ लहसुन है उसको ही मैं डालती हूँ, क्या ही कम यार है नहीं तो वही डाल देती हूँ। ठीक गाइस, तो अभी मैं चिकन धो के प्याज में डालती हूँ क्योंकि प्याज थोड़ा थोड़ा गल ही गया था और चिकन के साथ गलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं पानी ले ली हूँ इसमें चावल बनाने के लिए, मैं जाती हूँ आटा सानने के लिए क्योंकि रोटी भी खाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें मैंने चिकन डाल दिया हुआ है, आप जो लोग खाते होंगे प्लीज़ वही देखें हमारे वीडियो, बाकी लोग ऐसे बिल्कुल मत देखना जिनको पसंद नहीं है गाइस, क्योंकि मैं आप लोग को उदास नहीं करना चाहती हूँ अपनी वजह से। तो आप लोग देख रहे हो कैसे एकदम चिकन मैंने डाल दिया हुआ है। अब इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही भूनेंगे। सो गाइस जब तक चिकन हो रहा था तब तक मैंने आटा भी छान लिया हुआ है रोटी बनाने के लिए। एक तरफ यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है चावल बनाने के लिए, अब इसमें बारी हल्दी नमक डालने की। तो दोस्तों अब इसमें मैं हल्दी नमक डाल देती हूँ। तो गाइस इसमें हल्दी नमक पड़ गया है, अब इसको चला देती हूँ। तो गाइस हल्दी नमक डालते ही इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, आप लोग देख रहे हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ मसाले। गाइस मसाले में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, बस चिकन ही डालूँगी, चिकन और ये है बिरयानी मसाला, इसको डाल देती हूँ। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हो चिकन मसाला, बिरयानी मसाला, मैं बिरयानी मसाला डालती हूँ चिकन बनाने के लिए। तो अब आप लोग देखिए इसको, तो यार मैं भी हूँ गाइस। ये जो चिकन देख रहे हैं इसमें बिल्कुल ही खड़ा, मतलब भूखा हुआ मसाला जो होता है ना पीस का मसाला, वो नहीं है, सब भूखा हुआ मसाला मैंने डाला हुआ है। अभी यहाँ देख रहे हैं मसाला, तो ये जीरा पाउडर था, मुझे लगा नहीं है इसलिए मैंने डाली नहीं, इसलिए मिल गया तो मैं डाल दूँ। अब देखते हैं कैसा बन रहा है ये, और इस तरह पानी भी खोल रहा है, तब तक मैं इसमें डाल देती हूँ चावल। गाइस थोड़ा सा इसमें चिली पाउडर डाल देती हूँ क्योंकि मिर्चा कम था, तो इसलिए मैं चिली पाउडर 1 चम्मच डाल देती हूँ, थोड़ा सा तीखा और चावल के साथ अच्छा लगेगा। ये गाइस तो अभी मैं इसमें चावल डालती हूँ, आप लोग देख रहे हैं चावल,
और यहाँ पे चिकन भी हो रहा है, उतना मटेरियल तो नहीं है, पता नहीं कैसा लगेगा मिश्राज को, जो तो धनिया पत्ता वगैरह रहता है तो और भी ज़्यादा टेस्ट लगेगा। अभी मैं थोड़ी थोड़ी बीमार से लग रही हूँ क्योंकि मैं अपने बालों में ना ऑयल लगा ली थी रहती हूँ, बहुत ज़्यादा बाल ड्राई हो गया था मेरा। एंड अभी मुझे रोटी भी बनाने हैं, यहाँ पर मैं कल पूड़ी बनाई हुई थी तो वो भी पूड़ी है, तो अब इसमें मैं एक टमाटर डाल देती हूँ छोटा सा ताकि अच्छा लगेगा टेस्ट। उससे पहले आप लोग को एक बार इस चिकन को दिखा देती हूँ। तो दोस्तों देख रहे हैं ये है चिकन, वो भाई कितना गजब दिख रहा है, बट थोड़ा सा प्लेस का टेस्ट चेंज हो सकता है। हे गाइस, तो अब मैंने इसमें छोटा सा टमाटर डाल दिया, बिल्कुल छोटा सा। आप लोग देख रहे हैं इसमें मैं टमाटर डाल दी हूँ, तो सोच रहा हूँ टमाटर क्यों डालिए, टमाटर तो बहुत सारे लोग नहीं डाल के बनाते हैं, बट मैं डालती हूँ बनाती हूँ। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ये मेरे को मम्मी ने बताई थी नहीं थी हाशू में। सो गाइस, अब इस चिकन को चला देते हैं, देख रहे हैं आप लोग साइड में क्या टेस्ट का। इसमें मैंने अभी बिल्कुल भी पानी नहीं डाला हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग देख रहे हैं कितना टेस्टी दिख रहा है। लोग खाते हैं, बहुत मस्त लगेगा लिट्टी के साथ अगर खाएंगे उसे। तो एक तरफ बन रहा है चावल, तो गाइस अब चिकन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रहा है और रोटी एंड चावल के साथ खाना है, थोड़ा ग्रेवी करने के लिए मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, पानी गर्म है। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ड्राई हो गया है, लेकिन देख ऐसे भी बहुत मज़ा आया था नहीं, बट इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। और मैं एकदम कम पानी डाली हूँ, आप लोग देख रहे हैं पानी डालने के बाद। तो गाइस अब इसमें पानी डालते हैं, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया, कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है ना ऐसे भी। आप देखिए तो अब इसे थोड़ी देर तक ऐसे रख देंगे और उसके बाद ये चिकन थोड़ी देर में हो जाएगा, 5 मिनट बस। हे गाइस, तो अब यहाँ पे चावल बन रहा है, चावल में भी थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी फटाफट, क्योंकि भूख भी बहुत जोर लगी है। यहाँ पे मैं अपना चाय गर्म कर लूँ एंड अब देखती हूँ चिकन हो गया होगा तो मैं चिकन को बंद कर देती हूँ, मतलब गैस को बंद कर देती हूँ, चिकन हो गया। तो अब देखते हैं चिकन का कलर कैसे। ओ माय गॉड, कितना टेस्टी गाइस, क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी दिख रहा है, कैसे डबक जैसे डबकता है ना चावल, वैसे बिल्कुल ये भी डबक रहा है। ज़्यादा मैंने ग्रेवी भी नहीं किया हुआ है, ड्राई ही है ये, तो अब इसे बंद कर देती हूँ। तो गाइस फाइनली चिकन बन गया है, आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा बना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा शेयर कीजिए, और जरूर कमेंट करिएगा कि ये चिकन कैसा बना है और कितने लोगों ने ट्राई किया है। तब तक मैं जा रही हूँ रोटी बनाने में, चावल को पसाना मतलब उसका मार निकालना है। अभी मेरे को ये सब करना है काम। सो गाइस फाइनली चावल भी बन गया है एंड अब जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, तवा मैंने रख दिया है, इस पर तब तक गर्म होता रहेगा, पूछते हैं रोटी कितना बनेगा।